ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोन के बनेहरी गांव के सरपंच विक्रम रावत अपनी कार से चचेरे भाई के हत्याकांड के मामले में वकील से मिलने क्रांति नगर आए थे। विक्रम जब कार पार्किंग कर रहे थे तभी 5 बदमाशों ने सरपंच पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि गांव के लोगों ने उनके पति की हत्या की है। सरपंच विक्रम रावत की हत्या की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो वो आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने आरोपियों और आरोपियों के रिश्तेदारों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस बल को भी गांव में घुसने नहीं दिया। हालांकि बाद में एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने मोर्चा संभाला और गांव में फंसे महिला, बुजुर्ग और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। साथ ही सरपंच के परिजनों और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया। आरोपियों पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। मुंबई महानगर के लिए ग्वालियर से कपिल गोयल की रिपोर्ट।